मार्च आज है 3 तारीख और आज पता है कि आज ईद भी है और आज मीठी ईद है जिसमें जो है मुसलमान सेवियाँ बना के खाते हैं और ईद मुबारक बोलते हैं सबको। इसके अलावा आज अक्षय तृतीया भी है जिसमें लोग जो है दान पुण्य करते हैं। तो हमारे घर के नीचे भी फिर स्टॉल लगा था सड़क क्रॉस करके, तो वहाँ मेरे ख्याल से मीठी लस्सी पूरी आलू वगैरह मिल रहे होंगे, हम तो लेकर नहीं आए। और कल रात को मैंने कढ़ी चावल बनाए थे और आज भी मेरी ना थोड़ी सी कढ़ी बची हुई थी। ये देखो, ये मैंने इसमें आटा डाल दिया है। आटा क्या, 2 कटोरी सिंपल आटा और 1 कटोरी मक्की का आटा, ये इसमें मैंने ऐड करा है। अब मैं इसमें पता है और क्या डालने वाली हूँ, ये देखो, ये प्याज काट के लाई हूँ, प्याज डालूँगी, हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें, ये सारा सामान मैं इसमें ऐड करूँगी। इसके अलावा भी पहले बेसिक मसाले डाल लेते हैं। हम बनाएंगे कड़ी वाली परौंठी, बड़ी स्वाद बनती है वो, क्योंकि बेसन का स्वाद होता है ना। ये नमक डल गया, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल लेती हैं, थोड़ी ज़्यादा नहीं, हल्की सी, हरी मिर्च तो कड़वी होती नहीं, वो जो मैंने डाली है मैंने हरा, ये धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेते हैं। बाकी आपकी अजवाइन तो डलनी डलनी है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलता। और ये है 2 तरह का जीरा, काला शाही जीरा यानी कि जो ब्लैक कलर का जीरा होता है, और एक सिंपल जीरा, ठीक है। ये सब डल गया, मसाले बेसिक डल गए, पानी से मैं आटा गूंद लेती हूँ, हल्दी भी डाल देती हूँ, कलर भी अच्छा आ जाएगा, येलो येलो कलर आ जाता है। चलो अब बस सारे मसाले बेसिक डल गए, अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैं आटा गूंद लेती हूँ। आज हम कढ़ी वाली पराठी बनाएंगे और वो बड़ी स्वाद लगती है कढ़ी वाली पराठी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। और हमने दही भी तैयार कर लिया है, इसको मसाले मिक्स करने हैं। खूब सारा मैंने धनिया डाला है, थोड़ा सा पुदीना भी डाला है, और बाकी जो है चाट मसाला, काला नमक, फ्लैक्स सीड, ये सारी चीज़ें डाली हैं इसमें। ये देखिए हमारा रहता तैयार, दही इतना ही जमाया था इन्होंने, और ये मेरा वो आटा भी तैयार है, देख लीजिए येलो कलर का अच्छा लग रहा है। बस अभी मैं 5-7 मिनट में रोटी बनाती हूँ, पराठे बनाएंगे, एक साइड घी लगा। हमारी पराठियाँ बन रही हैं, पराठा दो इसको, हाँ एक ही साइड घी लगाया, 2 साइड घी लगाया, गर्मी है ना फिर ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो ये बन गई हमारी 2 परांठियाँ, 2 क्या मैं 4 बन गई हैं, 5वीं 6वीं है, और ये 7वीं बेली हुई है। अभी फिजियोथेरेपिस्ट आने वाला है, उसका आया था कि 3 बजे आएगा, तो मैं फटाफट रोटी बना रही हूँ, मैंने कहा बच्चों के लिए बना के रख देती हूँ, कनिका तो नहाने चलेगी, मैंने उसे बोला खाना खा ले, कह रही मैं नहाने जा रही हूँ, वो नहाने घुस गई है। तो बस मैं कहा था लस्सी पैकेट वाली पड़ी है आज, वो वाली नहीं बन पाएगी क्योंकि दही इतना ज़्यादा नहीं है आज, तो 2 पैकेट है, 1 पैकेट को ये दोनों बांट लेंगे, 1 को हम बांट लेंगे लस्सी को। बाकी दही तो अच्छा बन गया, सही से रहता बन गया मेरा, और बस परांठियाँ बन रही हैं, तो हम करते हैं इन्जॉय। जब तक वो नहीं आता कोशिश करती हूँ सारी रोटियाँ बन जाए। ऐसे 13 रोटियाँ बनती हैं मेरी, देखो 3 मेरी हैं, 3 कनिका की 6, 5 पापा की 11, स्वाति दो ही खाती है वो, ना 3 खाए। चलो खाना बनाएं जल्दी जल्दी। हेलो व्यूअर्स, आज है 3 तारीख, 3 मई, नया महीना स्टार्ट हो गया है और इस समय रात के 8:40 हुए हैं। और मैं क्या कर रही हूँ ये देखिएगा, मैं क्या कर रही हूँ, एक है आपका ये 2 चीकू हैं मेरे हाथ में और 1 कीवी है। टोटल ये इसने 100 रुपये की 3 कीवी मंगवाई थी, जो उसने कल ऑर्डर पे मंगवाई थी, तो कह रही 1 कीवी काट लो, मैं कहा ठीक है। अब पता क्या है, ये चीकू 8 पड़े थे, वीरवार को लेकर आए थे, ऐसे ही पड़े हुए थे, बताओ जब तक मैं ना काटूँ काटेंगे ही नहीं, इसके पापा बस एप्पल सामने पड़े होते वो काट देते हैं बच्चों को, बच्चे बोले कि एप्पल दे दो तो वो काट होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा दोनों को एक एक एप्पल काट के दे रहे थे, ठीक है। अब ये कीवी जो खुद लेकर आए उनको खुद नहीं याद रहता, फ्रिज में पड़ी है तो पड़ी है, तो मैंने सोचा चलो मैं कीवी का काम ख़त्म करती हूँ। मैंने कीवी का नहीं, इसका चीकू का, 8 चीकू थे, सबको दो 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 काट के दे दिए है ना, कनिका को भी खिला दिए, फिर पापा को भी खिला दिए, फिर लास्ट के 2 चीकू बचे हैं जो मैं खाने वाली हूँ, ठीक है। और इसके अलावा स्वाति को चीकू देकर आई, कह रही नहीं खाऊंगी मीठा होता है, मैंने कहा बहन तेरे को तो मीठे की ज़्यादा ज़रूरत है, उसका बीपी लो रहता है, देखो जिनका बीपी लो होता है ना उनको मीठी चीज़ें खानी चाहिए, अगर वो बाहर घूमते हैं मतलब बाहर का कोई काम करते हैं तो जेब में हमेशा मीठे बिस्कुट रखने चाहिए। क्योंकि जो मेरे जेठ जी थे ना उनको भी बीपी लो की प्रॉब्लम थी, तो तब जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मुझे पता लगा कि वो बाहर एक बार उनको चक्कर वक्कर आ गए थे, तो कहते थे कि उनको ना हमेशा उनकी जेब में मीठे बिस्कुट रखने चाहिए कि अगर चक्कर आ जाए तो फटाफट एक बिस्कुट भी खा लेना तो बीपी थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है, नहीं तो इंसान भारी चक्कर खा के गिर जाएगा। अब स्वाति ने क्या किया है कि जब देखो ये बच्चे ना वही है परहेज करते हैं बहुत ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा, कि मीठी चीज़ें खानी ही नहीं है, सामने चाहे बढ़िया से बढ़िया मिठाई पड़ी हो वो भी नहीं खानी, घर में कोई भी मिठाई आ जाए हाथ नहीं लगाना है ना, चाय में चीनी ना मत्तर डालनी,
तो फिर क्या होता है, धीरे 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 शरीर में चीनी की कमी हो जाती है। अब चीनी की कमी देखो, हमारे शरीर में चीनी नमक दोनों का बैलेंस सही रहना चाहिए। अगर आपके नमक की कमी हो गई तो भी प्रॉब्लम है ना, और अगर आप में चीनी की कमी हो गई तो भी प्रॉब्लम है। अब अगर मीठे की शरीर में कमी हो गई तो फिर वही इंसान का बीपी लो हो जाता है, फिर वो ज़्यादा ही लो हो जाए। बॉयस इसका तो कुछ थोड़ा ज़्यादा ही है, क्या बताए 55-60 तक ऐसे ज़्यादा ही लो है। इसको अपने मीठी चीज़ें खानी चाहिए। मैं इसको देने गई, कह रही है कि तू मीठे होते नहीं खाऊंगी। मैंने कहा बहन तेरी तो पहले बीपी लो, तू खा ले। अब ये बड़ा यही चक्कर है ना। अब मैं अपने लिए काट रही हूँ वाला चीकू, और इसके बाद ये मांग रही थी टीवी में, इसको टीवी रहती 3 टीवियाँ थी ना, इसने 100 रुपये की 3 लेकर आई थी, मंगवाई थी मतलब ऑनलाइन। तो कह रही एक टीवी काट दो, ग्रीन टीवी दे दो। इससे पहले के पापा ने इनको एक एक एप्पल काट के दिया दोनों को, और अभी स्वाति सिर धोकर आ रही है, ठीक है। और कनिका गई है पापा के साथ बाहर, कल भी कनिका नहीं जा पाई, बताती हूँ क्यों नहीं जा। कल को क्या था कि कल मेरे को ना नींद आ गई, पता नहीं कैसे। कल मैं 7 बजे शाम को सो गई, 9 बजे तक, 9 बजे उठ के फिर सारे काम करे जो करने थे। ये बच्चे तो आई पौने 12 बजे है ना, और उसके बाद फिर हुआ क्या कि बस गड़बड़ हो गई, बल्कि मेरे को पूरी रात नींद ही नहीं आई। 7 से 9 जो नींद आ गई, जितनी नींद आ रही थी 7 बजे नींद है, और फिर सारी रात नींद नहीं आई, फिर सुबह उठ के नींद आई, सब गड़बड़ घोटाला हो गया। और आज भी यही हाल हुआ मेरा, आज भी मेरा नहीं, मैं 5 या 5:30 6 बजे आज 6 बजे मोबाइल लेके ऐसे बैठी थी, नींद में झटके खा रही ऐसे। आधा नींद में नहीं होता, जैसे बेहोशा इंसान होता है ऐसे नींद में पड़ा। हस्बैंड कहते तू सो जा, मोबाइल रख दे साइड में, तू सो जा। मैं सो गई, मैं कहा 1 घंटे बाद उठा देना, ठीक है 1 घंटा तो फिर भी सही है, ज़्यादा सो जाओ ना, फिर रात को नींद नहीं आने वाली है ना। फिर हुआ क्या कि बस तो फिर मैं सो गई, मैं उठी हूँ, मेरे को इन्होंने चाय दे के 7:30 बजे उठाया। मैंने चाय दे के उठा दी ना मुझे, मैं उठ जाऊँगी 7:15 तक के करीब उठाया मैं, 7:30 उठ के फिर काम पर लग गई हूँ। तब से बस मैंने चीकू काट रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। हाँ आज कनिका कहती कुछ पेट थोड़ा ख़राब है, तो मैंने बोला बहन मैं तेरे लिए खिचड़ी बना देती हूँ, ब्राउन राइस वाली बना देती हूँ खिचड़ी, क्योंकि इनके उधर वहाँ पे ब्राउन राइस तो मिलते नहीं है। कल भी मैंने कड़ी चावल बनाए थे ना, कल रात को मैंने कड़ी चावल बनाए थे, तो कड़ी चावल मैंने ब्राउन राइस बनाए थे कल कड़ी के साथ, ठीक है। और आज भी ब्राउन राइस ही बनाऊंगी, ठीक है। तो चलिए जी, हम रात को खिचड़ी की तैयारी के लिए भी सामान रख लिया है मैंने, ये देखिए खिचड़ी की तैयारी के लिए सामान रखा हुआ है पास में। फ्रूट का काम ख़त्म करके फिर ये मैं खिचड़ी बनाऊंगी, खिचड़ी के बाद जूस की तैयारी होगी। जूस जो है ना कल भी नहीं बनाया था, कल मैं मूड़ी इन था, बच्चे ही घर में नहीं थे तो मैंने बनाया ही नहीं, ठीक है। और फिर बस रात को 12:45 को आ रहे थे आके, फिर इन्होंने अपने आप कढ़ी चावल लेके खा लिए, और लस्सी बना के इनकी दोपहर की मैंने रखी थी, वो इन्होंने लस्सी पी ली और शांति से सो गए है ना। मुझे बहुत कल गुस्सा चढ़ा था, मैंने खूब कनिका की बाट लगाई थी, ये कोई बात है बस भी मिस हो गई तो टेंशन नहीं आ सकी, जहाँ जाते वहीं भी होकर रह जाते हो, ये गलत बात है ना। फिर उसके बाद बस इसके मैंने बहुत गुस्सा करा, और कल मेरा मेंटली मैं भी थोड़ी अपसेट सी थी इसी बात पे, तो मैंने कल वीडियो ही नहीं बनाई है ना। और आज भी थोड़ा सा बहुत ठीक है, तो मैंने कहा चल बना लेते, कल भी मैंने वीडियो नहीं डाली, आज भी नहीं डालूँगी तो काम खराब हो जाएगा। चलो वीडियो बना, चलो मैं पहले खा लूँ, फिर ये काट लूँ, फिर मैं खिचड़ी बना लूँ, फिर मैं जूस की तैयारी कर लूँ, बस ये सब। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। व्यूअर्स ये देखिए, ये आधा तो नहीं कटना है, ये कल कटेगा, ये आधा बाकी का सारा काटूंगी मैं उसके लिए, जूस के लिए। बाकी सारा सामान तो मैंने रेडी कर दिया, ये हस्बैंड गए थे अभी गुरुद्वारे और गए थे डॉक्टर के पास, अभी आए हैं बस, आते ही लग गए हैं जूस की तैयारी करने। ये देखो मशीन को, मैंने सारा सामान जूस का तैयार कर दिया, बस यही लास्ट रह गया था मेरा काटना। उधर मेरी खिचड़ी बन चुकी है, मैंने गैस बंद कर दी है, और टाइम 10:30 हो रहा है, 11 बजे कनिका को निकलना है खाना खा के जूस पी के, ठीक है। वो दोनों चलो अच्छा है, गुरुद्वारे भी हुआ है और उस डॉक्टर के पास भी हुआ है। और उसके बाद जो है स्वाति कह रही खिचड़ी नहीं खानी है मुझे, वो अंकुरित दाल दिख रही है ना, 2 डिब्बियाँ दिख रही हैं आपको, कह रही वो बना के दूंगी। मैं कल एक काम ख़त्म नहीं होता, दूसरा पहले ही बता देते हैं। एक काम अभी कम्प्लीट नहीं हुआ, दूसरा ऑर्डर पहले ही आ गया, ठीक है। चलो काम पर लग जाते हैं, और काम क्या है, काम पर लग जाओ। बस हमारी ब्राउन राइस वाली खिचड़ी तैयार है, जूस का काम ख़त्म हो गया, जूस सबने पी लिया है। मुझे 1 गिलास मिला, बच्चों को शायद 1.5 मिला है, तो कोई बात नहीं। इसके पापा कर रहे हैं मशीन साफ, और बस कनिका को जल्दी निकलना है, 11:30 की उसकी बस है। तो मैं कनिका को खाना डाल के देने लगी थी, वो सामान थोड़ा बहुत रह गया जो पैक कर रही है। तो चलो मिलते हैं कल आपसे।